मेरा नाम मोहसिन खान है। IVRI में स्थित हजरत बुद्धूसा बाबा का 173वां वर्ष 12 तारीख को आज से शुरू हो चुका है। कुरान खानी से शाम को आज मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है और कल 13 मई को कव्वाली का प्रोग्राम है, जिसमें फनकार चुलबुल उर्फ जमील शकील, रही साबरी तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सभी हजरात इस महफिल समा में तशरीफ़ लाकर बुद्धूसा बाबा के उर्स की रौनक को बढ़ाएं। कुल सर्प की रस्म 14 मई इतवार को सुबह फजर के बाद होगी, सुबह 6 बजे से। और ये 12 मई जो आज के दिन से कुरान खानी सुबह हो चुकी हैं और यहाँ जारीनों का सिलसिला जारी हो गया है। तमाम आसपास के इलाके से पब्लिक यहाँ आना शुरू हो गई है और ये हुजूर साजिमिया के खलीफा हैं पीलीभीत शरीफ, जहाँ हमारे आसपास के ज़िले पीलीभीत, बदायूं और रामपुर, मुरादाबाद, सारी जगह की यहाँ पब्लिक आती है और इनके फैज से मालामाल होती है। हर मुराद अपनी पा करके यहाँ के जारीन अपने अपने घर को लौटते हैं कुल शरीफ की रस्म अदा करके। माशाल्लाह कल जो 13 मई बाद नमाज इशा एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें एक हिंदुस्तान के बड़े मशहूर कव्वाल फैजान रजा अजमेरी, जिनकी हिंदुस्तान में घुंगरू के नाम से बहुत फेमस कव्वालियाँ हैं, वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और एक पार्टी रहीश शावरी, जो मुरादाबाद से बड़ा मशहूर कव्वाल है हिंदुस्तान के, उन्हें भी बुलाया गया है। आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है, सरकार हजरत बुद्धूसा बाबा की महफिल में आए और इस महफिल की रौनक को बढ़ाएँ और इनके फैज से मालामाल हो। ये प्रोग्राम जारी रहेगा आज 12 मई को इशा की नमाज के बाद मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें नात खां राजू और मिलाद पार्टी, ये हमारे बस्ती की जो यहाँ मिलाद शरीफ के लिए प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम इशा के बाद से शुरू किया जाएगा और 12 बजे तक का ये प्रोग्राम रहेगा आज इशा के बाद मिलाद शरीफ का। और कल 13 मई इशा की नमाज के बाद से कव्वाली की महफिल सजाई जाएगी, जो महफिल यही स्टेट पे सजाया जाता है माशाल्लाह। अभी इसकी तैयारी चल रही है, इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया जाएगा और एक नज़ारा मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको, इधर ज़रा आप ये साड़ी पेड़ियों पे और पीछे तक तमाम पब्लिक रहती है यहाँ पर, जब पब्लिक कव्वाली का प्रोग्राम जारी रहता है। और माशाल्लाह हम लोग जो है जेंट्स का बैठने का इंतज़ाम अलग करते हैं और लेडीज़ का बैठने का इंतज़ाम इस साइड में करते हैं। इसमें किसी भी तरीके की किसी जारीन को कोई परेशानी नहीं होती है, प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से कराया जाता है, पुलिस की निगरानी में कराया जाता है माशाल्लाह। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं मजार शरीफ के कोने कोने से, कैंपस की एंट्री में भी आप IVRI में जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पर भी कैमरे हैं, इस तरीके का कोई भी यहाँ दिक्कत आने वाली नहीं है। आप सब अपने परिवार के साथ में हुजूर हजरत बुद्धूसा बाबा की बारगाह में आएँ और प्रोग्राम की महफिल को बढ़ाएँ। परसों इतवार वाले दिन 14 तारीख को जो है कुल शरीफ की रस्म 8 बजे फातों के साथ समाप्त की जाएगी। यहाँ के दरगाह के जो कमेटी सदर हैं वो मेरे दादा हाजी एवज खान हैं, उनकी निगरानी में ये सारा प्रोग्राम किया जाता है।